तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है साइंस के नाम। और आज हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो है नेहरू प्लैनेटेरियम। यहाँ पे आज हम लोग आपको दिखाएंगे अपने भारत के इतिहास के बारे में और अंतरिक्ष के कुछ छुपी हुई बातों के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो हमारा सफ़र शुरू होता है थाने स्टेशन से महालक्ष्मी स्टेशन की ओर, जो कि महज 1 घंटे की दूरी पर है। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलोगे वैसे ही आपको सामने बोर्ड पर नेहरू साइंस सेंटर का बोर्ड दिख जाएगा। वैसे आप नेहरू साइंस सेंटर और नेहरू प्लैनेटेरियम में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों अलग जगह पर है। तो फाइनली हम नेहरू प्लैनेटेरियम पहुंच जाते हैं। और नेहरू प्लैनेटेरियम में घुसने से सबसे पहले आपको दिखेगा ये बड़ा सा गेट, और उसके जस्ट साइड में आपको टिकट के प्राइसेस दिख जाएंगे और जितने भी शो होने वाले हैं। अगर आपका आना फिक्स है तो याद रहे कि आप ऑनलाइन ही टिकट कर लो, वरना मेरे जैसे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। तो क्योंकि हमारा शो 3 घंटे के बाद था, तो हम लोग बिना वक्त खोए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं म्यूज़ियम की ओर। वैसे इस म्यूज़ियम की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है, और अगर आप एक आर्ट लवर हो तो आप ये म्यूज़ियम को ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है और आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स भी देखने मिल जाएंगी। सो हे नमस्ते पीपल, आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नए व्लॉग में, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं नेहरू प्लैनेटेरियम। तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा प्लैनेटोरियम दिखा सके। तो चलते हैं वीडियो में आगे। जैसे ही आप इस आर्ट म्यूज़ियम में एंटर करते हो वैसे ही आपको दीवार पे सारी पेंटिंग्स दिखने को मिल जाएगी। वैसे ये पेंटिंग की खास बात ये है कि यहाँ पे आप सारे 3D और हैंडमेड पेंटिंग देख पाओगे। वैसे ये पेंटिंग सेल पे रहती है, तो ये पेंटिंग्स अपने घर पे भी ले जा सकते हो। तो जिस दिन हम लोगों ने ये आर्ट म्यूज़ियम को विज़िट किया था उस दिन हम लोग लकी थे, क्योंकि इस दिन आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ था। वैसे जिस दिन आप लोग ये वीडियो देख के अगर आते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आर्ट एग्जीबिशन उस दिन भी लगा रहे। तो अगर आपने ये आर्ट एग्जीबिशन को मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो से पूरा एग्जीबिशन का फील ले सकते हो। तो अगर आप आर्ट लवर नहीं हो और अगर आप गलती से इन आर्ट एग्जीबिशन में घुस जाते हो, तो आप ये ट्राई करना कि इन पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन को पढ़ने की, क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन से आपको पेंटिंग के बारे में पता चलेगा। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट भी अवेलेबल थे, जिनसे हम लोगों ने डायरेक्टली पूछा कि इन पेंटिंग के पीछे का रीज़न क्या है। और अगर आप मेरी तरह खुद से पेंटिंग को समझने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो बेटर है आप यहाँ पे बैठे आर्टिस्ट से उनकी पीछे की कहानी को सुन सकते हो। तो कुछ देर पेंटिंग्स के साथ रहने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री की ओर, जो कि 1st फ्लोर पे है। तो ये एरिया है ह्यूमन एवोल्यूशन का। तो उस समय के लोग कैसे रहते थे और कैसे अपना खाना का प्रबंध करते थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इन सब के बारे में और भी अच्छे से जानना है तो यहाँ पर आपको माइक और माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से लोग इजीली अपने कानों पर लगा के इसको 3 से 4 लैंग्वेज में सुन सकते हैं। अगर आप यहाँ म्यूज़ियम में आते हो तो प्लीज़ आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना अवॉइड करें। वैसे मैंने यहाँ पे बहुत ही चुपके से वीडियोस निकाल लिया था, बट यहाँ पे सिक्योरिटी होने के कारण आपको ज़्यादा वीडियो निकालने नहीं दिया जाएगा। तो जो चीज़ आप अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ते आ रहे होंगे वो आप यहाँ पर ईजिली विजुलाइज़ कर सकते हो। और अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हो तो वो इस जगह से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको शिवलिंग और नंदी भगवान का मूर्ति भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने अपने बाबूलनाथ के ब्लॉग में कवर किया है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि अंग्रेज़ों द्वारा किए गए शासन में हिंदुस्तानियों का क्या हाल हुआ था। तो कुछ इस तरह से बनाया करते थे वो अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान पर घर, और उनके लिए काफ़ी आम बात थी कि वो ऐसा बोर्ड लगाया करते थे जहाँ पर लिखा रहता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो आप समझ ही सकते हो कि हमारी जो स्थिति थी वो उस समय कितनी ख़राब हुआ करती थी। वैसे यहाँ पे भारत छोड़ो क्विट इंडिया मोमेंट भी चलाया गया हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। वैसे ये सब देख के हमें दुख तो ज़रूर हुआ, बट साथ ही साथ गर्व भी हुआ कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेज़ों को धक्के मार के इंडिया से बाहर निकाला। और क्योंकि हमारा शो का वक्त हो रहा था तो हम लोग फटाफट इस म्यूज़ियम से बाहर निकल के नेहरू प्लैनेटेरियम की ओर चलते हैं। आप जब भी यहाँ आओ तो कोशिश करना कि शो से 1 घंटे पहले आने की,
क्योंकि यहाँ पर शो के अलावा भी आपको बहुत चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, बट उसके बारे में और जानने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। तो चलते हैं स्काई थिएटर की ओर। जैसे आप स्काई थिएटर घुसते हो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरा ही एक स्क्रीन लगा हुआ है और आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में स्पेस में हो। तो अगर आपको अंतरिक्ष के बारे में, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में और भी कुछ जानना हो और सामने से देखना हो तो आप ये जगह को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर आप साइंस में या एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी दिलचस्पी लेते हो तो यहाँ पर आपको इन सब के बारे में जानने में जो मज़ा आएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही स्टार्स को देखने के लिए और जानने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 80 लाख का टेलीस्कोप लिया था। तो अगर आपका ऐसा कुछ इतना बड़ा बजट नहीं है तो ये हाईली रिकमेंडेड प्लेस है जहाँ पर आप स्टार्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो अब वक्त हो चला है नेहरू प्लैनेटेरियम को अलविदा कहने का। सो आई होप आपको नेहरू प्लैनेटेरियम का पूरा टूर अच्छा लगा होगा। अगर पूरा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों से शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ आना चाहते हो, और सब्सक्राइब तभी करें अगर आपको ऐसे व्लॉग्स आगे भी देखने हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाई।